बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और सियासी उथल पुथल पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लगातार पड़ोसी राष्ट्र में मचे घमासान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। वे अभी भारत में रह रही हैं। शेख हसीना का कहना है कि सेंट मार्टिन द्वीप न सौंपने के कारण अमेरिका ने उन्हें सत्ता से बेदखल कराया है। शेख हसीना का कहना है कि सेंट मार्टिन द्वीप मिल जाने के बाद बंगाल की खाड़ी पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता। शेख हसीना ने अपने मैसेज में बांग्लादेशी नागरिकों को कट्टरपंथियों के बहकावे में न आने की चेतावनी दी है। अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भेजे गए और ईटी को उपलब्ध कराए गए मैसेज में शेख हसीना ने कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस ना देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव रखने दिया होता। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ, कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर में कहा गया है कि शेख हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों के जरिए भेजे गए संदेश में ये बातें कही हैं। ईटी को हसीना का ये संदेश हासिल हुआ है। शेख हसीना ने छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वे फिलहाल भारत में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। शेख हसीना आगे कहती हैं, अगर मैं देश में रहती तो और अधिक लोगों की जान चली जाती और अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैंने बाहर निकलने का बेहद कठिन निर्णय लिया। मैं आपकी नेता बनी क्योंकि आपने मुझे चुना, आप मेरी ताकत थे। मेरे दिल में ये खबर सुनकर रोना आ गया है कि कई नेताओं की हत्या कर दी गई है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से मैं जल्द ही वापस आऊंगी। आवामी लीग ने बार बार आवाज उठाई है, मैं बांग्लादेश के भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी। वह राष्ट्र जिसके लिए मेरे महान पिता ने संघर्ष किया, वह देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जान दे दी। विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय के आरोपों को खारिज कर दिया, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के पीछे विदेशी हस्तक्षेप का दावा किया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अशांति के लिए अंदरूनी कारक ही जिम्मेदार है। हसीना सरकार की प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई ने आंदोलन को बढ़ा दिया।